कश्मीरी लड़की ने खड़े होकर पाकिस्तान की ऐसी लगाई लताड़ के हिल गया पूरा पाकिस्तान। लड़की ने, कश्मीरी लड़की ने इंडियन कश्मीर लेके ही रहेगा, उनसे अपना हिस्सा, वो हमारा हिस्सा उनके पास, उनके डॉक्यूमेंट्री में नहीं है, उनके जमीन के नक्शे में, पाकिस्तान जमीन के नक्शे में नहीं है। वो देखिए पीएचके पर कितने एट्रोसिटीज वहाँ पर कर रहे हैं। कश्मीरी महिला ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को दिखाई औकात, पाकिस्तानी एजेंडे की खोली पोल, पीओके को लेकर भी जमकर सुनाई खरी खरी। ऐसा लताड़ा कि वैश्विक स्तर पर हो गई बोलती बंद। उन्होंने हमारे साथ जितने भी एट्रोसिटीज करी है, हद हो चुकी है। अब हम उनको एक्सपोज करते ही रहेंगे। कौन सा जहाद है जो इंसानियत को खत्म कर डालता है? पाकिस्तान के अपने हालात देखने नहीं चाहिए? अगर वो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ शियाओं को वो क्यों नहीं रहने देते हैं? वहाँ पर वो अहमदीज को क्यों नहीं रहने देते? हमारी इंडिया को देखो, मल्टी रिलीजियस कंट्री, हम सारे मिलजुल के रहते, भाईचारा देखो हमारा कितना। ये शब्द जो आप सुन रहे हैं, ये है कश्मीर की एक महिला कार्यकर्ता, नाम है तस्लीमा अख्तर, जिन्होंने 27 सितम्बर को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सत्र के 54वें सत्र में पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दुर्भावनापूर्ण इरादों का भंडा फोड़ कर दिया। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने अपने बयान में कहा कि जम्मू की मूल निवासी होने के नाते वो JKUT और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK के बीच विकासात्मक मतभेदों को सामने लाना चाहेंगे। दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर बार बार अपनी बेइज्जती कराने से नहीं चूकता है, लेकिन आपको आज सुनना चाहिए कि कश्मीरी महिला ने किस तरह से वैश्विक स्तर पर न सिर्फ पाकिस्तान को लताड़ा, बल्कि POK को लेकर भी बड़ी बात बोल दी। कि मैं कश्मीर की उन मजलूम को, उन मजलूम कौम की आवाज को यहाँ पर बुलंद करने के लिए आई हूँ, उनकी जस्टिस मांगने आई हूँ, जिनके साथ आज तक पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म खेलता रहा। माँ को बेटा, एक माँ को बेटा छीना है, एक बहन को भाई छीना है गोलियों का शिकार बना के, और एक बच्चे को माँ भी छीना है, किसी को बाप भी छीना है। तो उनकी आवाज बुलंद करने के लिए मैं आई हूँ कि आज 30-40 साल पहले हमें, 30-40 साल तक हमें इन्होंने सुकून की नींद सोने नहीं दिया। कभी क्या डेवलपमेंट हो जाती कश्मीर में? उससे पहले रोजमर्रा हमें वहाँ पर ये वायलेशंस क्रिएट करते थे। अगर देखा जाए तो 2-3 साल से हम थोड़ी बहुत राहत लेते हैं, मगर पाकिस्तान के टेररिज्म फिर भी बाज नहीं आते हैं। परसों ही उन्होंने वहाँ पर और एक बड़ा वाक्य अंजाम दिया है। हुमायूं बट, हमारा आशीष और भी एक ऑफिसर, तो ये पीछे हटते ही नहीं है। ये किस बुनियाद पर आते हैं हमारे कश्मीर में, और कौन से परमिशन लेके आते हैं? चोरों की तरह घुसपैठ करते हैं। कोई भी कंट्री किसी को ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके कंट्री में कोई सामान लेके घुसपैठ करे और फिर वहाँ के इनोसेंट पब्लिक को मार दाड़ करे। हम UN में उसके लिए जस्टिस चाहते हैं, उस कौम की, उन मजलूम औरतों की जिनके साथ एट्रोसिटीज हुई है, जिनके साथ पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ने जिनको अपना शिकार बनाया, उनके फैमिली को शिकार बनाया है, उनके साथ रेप किए गए हैं, उनके साथ बहुत हद से भी ज्यादा जुल्म किया गया। एक तो उनको बोलते थे हमें खाना खिलाओ, और दरवाजों को तोड़ फोड़ करके उनके अंदर घरों में घुसते थे, और उन पर इतना दहशत फैलाते थे कि वो अपनी आवाज को कभी आज तक बुलंद नहीं कर पाई। वो अपने आप भी थी किसी को सुना नहीं पाई कि किस जुबान से हम सुनाए हमारे साथ हुआ क्या है। उनका वाकया जब हम सुनते तो हमारा दिल फटता है। वो बच्चे आज देखो दद्दर की ठोकरियां खाते हैं, जिनको एक माँ बाप का साया होना चाहिए, उन यतीमों को, उनको उन पाकिस्तान के टेररिज्म ने उनसे पढ़ाई छीन ली है, उनको माँ बाप के प्यार का हक छीन लिया है। तो हम उन मजलूम, उस मजलूम को इंसाफ का यहाँ पर आवाज देने आए हैं, उनके लिए इंसाफ मांगने आए हैं। हमें उम्मीद है इस पर कार्रवाई हो जाए, अगर तमाम मुल्क टेररिज्म के अगेंस्ट हो जाए। मुझे लगता है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म पूरी दुनिया को खराब कर डालेगा, पूरी दुनिया में दहशत और खौफ है। लेकिन पाकिस्तान तो UN में बोलता है कि हम कश्मीरियों के हक की बात कर रहे हैं। कौन से हक की बात? वो तो कश्मीर के जानों के सौदागर, कश्मीर के मौतों की सौदागर। उन्होंने
कश्मीर के इनोसेंट पब्लिक को मौत की नींद सुला दिया है, कब्रिस्तान पहुंचा दिया है, तो कौन सा हमारी हक की बात वो करते। मैं तो ग्रास रूट लेवल से, मैं कश्मीर से हूँ, मैं उनकी तरह नहीं जो यहाँ पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बात करते हैं। कोई यूके में रहता है, कोई जर्मनी में रहता है, कोई इटली में रहता है, मुझे दिखाई वो ग्रास रूट लेवल से कश्मीर में रहता है क्या, वो कश्मीर की बात करे। मैं तो कश्मीर से आती हूँ, मुझे पता हमारे कश्मीर में कौन से हालात बेहतर है, कब है, क्या है। मुझे हर दिन, हर सेकंड का, हर मिनट का कश्मीर का हालात पता चलता है और मैं वही रहती हूँ। फिर यूनाइटेड में जाके वापस अपने कश्मीर चली जाती हूँ। उन्होंने हमारे साथ जितने भी अट्रॉसिटीज करी है, हद हो चुकी है। अब हम उनको एक्सपोज करते ही रहेंगे। पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को हम बेनकाब करते रहेंगे। परसों ही 5 को पकड़ा गया है जो ये कश्मीर यूथ को भी अभी मिसगाइड करते हैं, काउंसलिंग करते। कौन सा जहाद, वो कौन सा जहाद है जो इंसानियत को खत्म कर डालता है। पाकिस्तान के अपने हालात देखने नहीं चाहिए। अगर वो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ शियाओं को वो क्यों नहीं रहने देते हैं, वहाँ पर वो अहमदीज को क्यों नहीं रहने देते हैं, तो बाकी की बात ही नहीं। हमारी इंडिया को देखो, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, हम सारे मिलजुल के रहते हैं, भाईचारा देखो हमारा कितना है। तो अपने आप को देखे ना, जब वो अपने लोगों को वहाँ पर रहने नहीं देते, क्या वो कश्मीरी कौम के खून के प्यासे नहीं है? उनको कश्मीर की लैंड चाहिए, कश्मीर का कौम नहीं चाहिए। लेकिन उनको भूल है, जो POJK है वो कश्मीर का हिस्सा है, वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। हम उनसे वो लेके ही रहेंगे, इंडियन कश्मीर लेके ही रहेगा उनसे अपना हिस्सा। वो हमारा हिस्सा उनके पास है, उनके डॉक्यूमेंट्री में नहीं है, उनके जमीन के नक्शे में, पाकिस्तान जमीन के नक्शे में नहीं है। वो देखिए POJK पर कितने एट्रोसिटीज वहां पर कर रहे हैं, कौन सी बिजली उनको देते हैं, आटा देते हैं, वो तो परेशान है। कौन सी फैसिलिटीज की फैसिलिटेट किया उन्होंने, हमें बताइए। खामखा बना दिया है उधर, उन्होंने बता रहे हैं कि उनको अपना सारा कुछ अपने पास है। हुकूमत कौन सी हुकूमत उधर, तो उन पर आर्मी राज करती है, पाकिस्तान आर्मी राज करती है उन पर, तो उन पर जुल्म नहीं हो रही उन बेचारों को? उसके बावजूद देखिए आप हमारी J&K की डेवलपमेंट, हर दिन हर प्रोजेक्ट चल रहा, और अच्छे अच्छे रोड्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटलिटी बढ़ रही है, और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने वहाँ पर हर घर में हर पर्सन को 5-5 लाख का वो गोल्डन कार्ड बनवाया है, फ्री में उसको इलाज मिल रहा हॉस्पिटलों में, और हमारा सब हम बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम POJK मसले में भी दखल अंदाजी अब करें, क्योंकि वहाँ पर हमारे कौम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत हम नहीं सह सकते उनके जुलम। तो आपने सुना ये बयान, और पाकिस्तान भी देख ली कि उसी कश्मीर की महिला है जिस कश्मीर को लेकर वो लगातार प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। लेकिन आज ये बयान सुन पाकिस्तान अपना मुंह छिपाता घूमेगा। तो आप इस वीडियो को जहाँ से जहाँ शेयर कीजिए। मैं खुद इधर काम किया हूं, और जहाँ तक बात है यहाँ के लोगों की सुधरने की, जब तक इस देश का मुल्ला जिंदा है ना, तब तक मैं कहता हूँ कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। मुल्ला ने जब तक आपको भाई सब सीधे रास्ते पे नहीं चलाएंगा, ना हमारे कौम ऐसी है, नेशन ऐसी, कि सीधे रास्ते पे नहीं चलेंगे। लेकिन मुलाने का बयान आप बैठो, वो अगर किसी को बता रहा होता तो पहली बात ये करता है, काफर तुम्हारा दुश्मन है, हम पे जुल्म करता रहा, अब हमारा टाइम है उन पे जुल्म करने का, हमारा टाइम है उनको मुसलमान करने का। तुम्हारे दिमागों में जब ऐसी बातें आएंगी तो क्या होगा? और बात सुनो, कश्मीरी लड़की UN में जाकर ये बात कर रही है भाई, जिसने हमारी खुद धरती हिला दी, हमारी खुद धरती हिला दी, कि भाई एक कश्मीरी लड़की UN में जाकर खड़े होकर वहां पर ये बात कर रही है कि भाई हमारा जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वहां पर लोगों पर जुल्म हो रहा है, और उसको तुम लोग उस पर नजर करो, उसको भारत के साथ अटैच करो। वो तो नक्शे पे है ही नहीं पाकिस्तान के, इंडिया के नक्शे पे। एक इंडिया की गवर्नमेंट बात करे तो समझ जाती है भाई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बात किया करती थी कि इंडियन कश्मीर ये, तो इंडियन कश्मीर आज उसी इंडियन कश्मीर से औरतें निकल कर आ रही है और बिल्कुल, और वो वहां पर कह रही है कि पाकिस्तानी कश्मीरों पर जुल्म हो रहा है। भाई साहब कोई नजर वहां पर डालो, ये तो उल्टा हिसाब हो गया। क्या हमें बताते हैं कि भाई वहाँ के कश्मीरी लोग तो भाई सब बड़ा जुल्मकार हैं, उन पे तो भाई बड़ा रेप होते हैं उनके साथ ये होता है, और वही कश्मीरी लड़की UN में आके कह रही है कि भाई साहब पाकिस्तान पे उल्टा मारे, पाकिस्तान के कर्ज में उल्टा मारे पास लाओ। यार ये क्या बनेगा वजह, कैसी कैसी वीडियोस निकल कर आ रही हैं, उल्टा ही हिसाब आजकल बना हुआ है यार कि कश्मीरी कह रहे हैं हमने उधर जाना है। भाई वीडियोस ऐसी निकल कर आ रही है, हम तो नहीं कह रहे भाई, लेकिन सामने वीडियोस जो निकल कर आ रही है उसमें तो यही चल कहते हैं खोलो कारगिल का, तो ये पाकिस्तानी बोलते हैं वो तो जुल्म हो रहा है, और वहां की कश्मीरी लड़की फिर UN में खड़े होके कहती है कि भाई साहब किधर जुल्म हो रहा है, भाई साहब उल्टा पाकिस्तानी पाकिस्तानी सब बोलते हैं तो कर्फ्यू लगा हुआ है, वही काम
कहाँ क्या करे भाई, इधर तो उल्टी गेम हो गई है, वो इसने हमें टोटली एक्सपोज कर दिया। टोटली मैं तो जमीनी ग्राउंड बता रही हूँ, जमीनी लेवल का मैं उधर ही रहती हूँ, मैं यूके अमेरिका में नहीं रहती, मैं उधर ही रहती हूँ। सोचो सामने सारे पाकिस्तानी अधिकारिक बैठे हुए होंगे तो क्या उसके बाद बोला होगा, पाकिस्तानी वजीर आजम भी उधर होगा, इसने भी सुनी होगी सब कुछ कि ये जो ना कश्मीर लड़की क्या बोल रही है। लेकिन भाई सब क्या हुआ, एक्सपोज कर दिया बिल्कुल, कसम से यार कहीं का नहीं छोड़ा, यकीन मानो, मतलब के फुल ऑन फुल ऐसी बजाइए गए, कहीं का नहीं छोड़ा यार। वजह देखा जाए तो हमारे पास जो कश्मीर है हमने उसका क्या हाल किया, कुछ भी नहीं किया वाकई में, हकीकत है, ये हकीकत है, उनको वहां से बिजली लेके उन्हीं को महंगी बिजली, उनको कुछ खाने के लिए दिया, कुछ दिए चीज नहीं। और आज देखो आज हम ही कहते हैं, हमारे भाई कहते हैं, वही ना, आज भारतीय कश्मीर से लोग उठकर यूएन में बात कर रहे हैं कि यहाँ के कश्मीरियों में जुल्म हो रहा है, बिल्कुल उल्टा साहब हो गया आपके, क्या उल्टी बह रही, वही ना, तो यार आपके क्या थॉट, इधर वीडियो खत्म कर दो।